हेलो नमस्कार दोस्तों, 6 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले एक बार हम नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो पहला छोटा वाला आर्टिकल दिया गया साइड में, ये एक्चुअली मॉब लिंचिंग के बारे में है। तो कुछ इसमें 2-3 सजेशन के तौर पर पॉइंट है वो दिए गए हैं, एमईटी मिनिस्ट्री के बारे में, व्हाट्सएप वगैरह के बारे में, जो भी रिसेंटली चल रहा है, तो वो हम पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आर्टिकल है, ये एक्चुअली इस आर्टिकल में बेसिकली काफ़ी चीज़ें वैसे बताई गई हैं, बट कुछ ज़्यादा इतना खास भी नहीं है। इसमें कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनको एक्चुअली गवर्नमेंट होती है उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि जो बंदे या जो आप बोल सकते हो पॉलिटिशियन जनता द्वारा इलेक्ट होकर जा रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जनता के लिए वो काम करें। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को उनके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, क्योंकि जनता पर की आपको पता है डेमोक्रेसी में जनता है वो सुप्रीम होती है। इसीलिए यहाँ पर राइटर के द्वारा मेनली दिल्ली वाले केस में कुछ पॉइंट ये बताए गए कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं जो, उनको एक्चुअली केजरीवाल साहब की कुछ बातें वो हाथ मानते हुए चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हर बात सेंट्रल गवर्नमेंट ये मानते हुए करें। कुछ केसेज ऐसे हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें भी जरूरी है, तो उन दोनों चीज़ों के मध्य तालमेल बना के आगे चलते रहना पड़ेगा। बस यही कुछ पॉइंट यहाँ पे बताए गए, बाकी कुछ इतना कुछ खास इसमें है नहीं। यहाँ पे जो आर्टिकल है, फिर ये आर्टिकल मेनली कुछ इतना ज़्यादा काम का नहीं, इसे भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने। कार्नेटिक म्यूजिक के जो राइटर थे उनके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे आए हैं, तो उनके कुछ ज़्यादा डिस्कस करने लायक यहाँ पे है नहीं। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल मैं लिया है इंडिया और यूएसए के बारे में, तो इसके बारे में 2-3 कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो उनको हम यहाँ पे देख लेंगे। फिर यहाँ पे सेकंड पेज पे जो ये बड़ा वाला आर्टिकल है, आज आपको पता है थर्सडे है, और यहाँ पे जो बेसिकली इस आर्टिकल में पॉइंट है वो बताए गए, सॉरी फ्राइडे को इस आर्टिकल में पॉइंट वो बताए गए हैं। आज का टॉपिक एक्चुअली वो रखा गया है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ड्रिफ्ट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो 2-4 पॉइंट यहाँ पे भी हम निकालेंगे और उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद नीचे जो आर्टिकल है, यह है कंबोडिया की डेमोक्रेसी के बारे में, कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा इलेक्ट हो गए हैं, काफ़ी लंबे टाइम से वही वो इलेक्ट होते हुए वहाँ पे लगातार जा रहे हैं। तो उनके बारे में बताया गया कि भाई वो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव है वो करने लग गए, ह्यूमन राइट्स का भी वोलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ये वगैरह, तो हमारे लिए कुछ इतना काम का नहीं है। तो ये नीचे यहाँ पे जो आर्टिकल है, यह है डैम सेफ्टी बिल के बारे में। देखो डैम सेफ्टी बिल की जरूरत क्यों, पहले तो वो देख लें, 2018 की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे देश में देखा जाए तो लगभग कुल मिला के 5,200 के आसपास डैम है, और कुल मिला के देखा जाए छोटे मोटे बड़े डैम देखा जाए तो भी बहुत से हैं। तो एक तरीके से बात यह है कि डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि डैम है केवल पानी का स्टोरेज नहीं करते हैं, वो पानी का स्टोरेज है वो काफ़ी चीज़ों के काम आते हैं, एग्रीकल्चर में काम आता है, इसके साथ वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, और इसी के साथ में वहाँ पे एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके लिए, मतलब देखा जाए ना तो डैम के काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। तो मतलब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है डैम, और इसीलिए उसको मेंटेन करना या उसको ढंग से उसको टाइम टू टाइम उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना काफ़ी अहम हो जाता है। क्योंकि अगर एक डैम है वो टूट जाता है, ढंग से उसका काम मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो रहा, तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी उसका नुकसान हो जाएगा, इसके साथ ही वहाँ पे जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको दिक्कत है, और वहाँ पे एग्रीकल्चर को भी नुकसान है वो पहुँचने वाला है। तो वो डायमेंशन यहाँ पे डिस्कस है की गई है। तो अभी तो देखो बिल है तो हमारे लिए कुछ इतना काम का रहा नहीं है, बट आगे जो भी चीज़ें हो रहेंगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी जो इसमें 2-3 पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम आज आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं मॉब लिंचिंग के बारे में। देखो मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि भीड़ द्वारा क्या क्या करते हैं। देखो काफ़ी बार ऐसा होता है, जैसे हमने देखा है कि न्यूज़पेपर में सुनते भी हैं कि एक चोर था, चोरी वगैरह कर रहा था, तो भीड़ ने उसे पकड़ कर बड़ी बेरहमी से मार डाला। तो वही बात यहाँ पे राइटर के द्वारा बताई जा रही है कि देखो मॉब लिंचिंग ठीक है, हाँ वो चोरी कर रहा था, उसे पकड़ा और मारा कोई बात नहीं, बट उसे इतना भी नहीं मारना चाहिए था ना कि यार उसकी जान चली जाए। अगर उसने गलती की है तो ऑब्वियसली हमारे देश में प्रॉपर आपको पता है कोर्ट के तहत प्रावधान किया गया है, उसे जेल में भेजना चाहिए था और उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट एक्शन लेनी चाहिए थी, मारने से थोड़ी सोल्यूशन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है ना। तो मतलब भीड़ एक तरीके से क्या करती है कि एक बार काफ़ी उग्र हो जाती है और फिर वो जस्टिस के रास्ते पर चलने की कोशिश करती है, और उससे क्या होता है मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आती हैं। अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ना उसका रोल भी काफ़ी अहम हो गया है, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया ना वो भी ज़्यादा एक तरीके से इफेक्ट है इन चीज़ों को कर रही है। बात यहाँ पे की जा रही है कि फेसबुक हुई, व्हाट्सअप हुई, किस तरीके से लोगों के डेली बिहेवियर वगैरह को चेंज करती हैं। देखो आप एक को एक बहुत ही जनरल पॉइंट बताता हूँ, हमने काफ़ी बार ऐसा देखा है फेसबुक के पेज पे, यू नो आप देख सकते हो व्हाट्सएप पे भी, कि हाँ ये आप ये फोटो शेयर कीजिए, ये लड़का है ये बिछड़ गया है, पिछले 5 सालों से वो फोटो घूम ही रही होती है। तो ऐसे चीज़ों को क्या है कि हमें पहले देखना चाहिए कि क्या ये सोर्स या ये न्यूज़ जहाँ से निकले ये ऑथेंटिक
ठीक है नहीं है। कई बार एक फ्रूटी वाला ऐड आता रहता है कि ये फ्रूटी है, उसमें HIV का बुलेट डाल दिया गया तो फ्रूटी मत पिनाइए वगैरह। वो ऐड कम से कम देखा जाए तो 6-7 साल पुराना, तब से चल रहा है। तो भाई ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए ना। हमें पहले ये देखना चाहिए कि कौन सी जो न्यूज़ वगैरह हम फैला रहे हैं, किसी को आगे शेयर कर रहे हैं, वो न्यूज़ सही है या नहीं है। तो ऐसी चीज़ों पर हमें फोकस ज़्यादा करना चाहिए। जो चीज़ गलत है वो शेयर करने लायक नहीं है तो उससे हमें शेयर नहीं करना चाहिए। हमें हमारा कॉमन सेंस भी यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि हाँ भाई शेयर कर दो तो आपने आँख बंद करके ऐसी चीज़ों को शेयर कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी को इफेक्ट करती हैं। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि किसी वॉयलेंस का रास्ता है वो अग्रसर हो जाता है और उससे हमें काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में राइटर एक बात कह रहे हैं कि देखो जो मॉब लिंचिंग है, जैसे भीड़ वगैरह कई बार किसी की हत्या कर देती है, तो उसके लिए देखा जाए तो दो चीज़ें बहुत जिम्मेदार हैं। एक तो है पॉलिटिकल लीडर की और दूसरी बात रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव की। एडमिनिस्ट्रेशन की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि देखो प्रशासन अगर कहीं भी काम नहीं कर रहा है ढंग से, इसी वजह से तो वहाँ पर छूट लिखते से आप बोल सकते हो कि लूप होल रहा है। अगर प्रशासन अपना काम बड़ी ईमानदारी से वहाँ पर करता तो इश्यू नहीं होता ना मॉब लिंचिंग का, क्योंकि भीड़ इकट्ठी नहीं होती, ना ही भीड़ ऐसे कुछ काम कर सकती। अगर देखो कई बार क्या होता है, कई बार लोग मॉब लिंचिंग इसलिए कर देते हैं भीड़ वगैरह हत्या, कि यार पुलिस तो पुलिस को भेज देंगे इसको, इस बंदे को अगर हम जेल में भेज देंगे तो पुलिस इससे 100-200 रुपये ले लेगी, एक दिन रखेगी, भेज देगी इसको। तो इससे अच्छा है कि हम ही इनको सबक सिखाते हैं, और इसलिए लोग क्या है कि जो भी आरोपी होता है उसको मार डालते हैं। तो राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि इसके प्रति सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव। जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है इसको हमें सुधारना होगा। जब तक हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव में कोई रिफॉर्म नहीं आएंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तब तक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो हमें इस दिशा में कदम उठाने की सबसे ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि देखो प्रशासन आपका काम क्या होता है, प्रशासन का काम ही है कि उस वाले एरिया में सिस्टम को, शांति को मेंटेन करना, ढंग से काम है यूनिफॉर्म में चलता रहे। और अगर उसी प्रशासन इसी काम को ढंग से नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और फलस्वरूप मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं सामने आ जाती हैं। तो ये बात राइटर के द्वारा यहाँ पे की जा रही है। इसके बाद में पॉलिटिकल लीडर की बात है कि देखो हमारे जो पॉलिटिशियन है ना उनमें विल भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे मुद्दों पे सामने नहीं आते हैं। जैसे कि अभी व्हाट्सएप वगैरह का काफ़ी बड़ा इशू चला था, तो फिर व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह को क्रिप्टो जो आप बोल सकते हो कि इंक्रिप्शन वे में मैसेज वगैरह भेजने की प्रक्रिया वो स्टार्ट हुई। तो ऐसा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं लीकेज तो हो रहा था, कहीं ना कहीं कोई कई बार कहीं कि मिस यूज़ हो रहा था बातों वगैरह का। तो इसीलिए सभी ने पॉलिसी अपनी चेंज भी की थी। और अभी राइटर के द्वारा ये कहना है कि देखो जो इनिशियल मैसेज है ना उसकी एल्गोरिथम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार क्या होती है सोशल मीडिया पर कोई भी फेक न्यूज़ वो फैला दी जाती है, तो अभी क्या कर रहे हैं जो भी फेसबुक या सोशल मीडिया जैसी कंपनीज हैं वो ये एल्गोरिथम बना रही हैं कि भाई ये मैसेज जनरेट कहाँ से हुआ। जैसे मान लो कि मैंने मैसेज जनरेट किया, मैं किसी को ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, फिर वो किसी और को कर रहा है, ऐसे थर्ड फोर्थ पर्सन बंदे के बाद फॉरवर्ड होता जा रहा है। तो अभी क्या होगा फेसबुक और व्हाट्सएप पे क्या होगा, एक सोर्स का पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे ने ये फोटो शेयर करना शुरू किया था और इसके बाद ये मामला बवाल में आया है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, जो लोग ऐसी उठपटांग हरकतें करते हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जा सकेगी और उनको भी कंट्रोल है वो किया जाएगा। इसके बाद में बात किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कि देखो उस मिनिस्ट्री का काफ़ी अहम रोल होता है, क्योंकि उससे कोई ना कोई ऐसी एल्गोरिथम बनानी होगी जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के थ्रेड से निपटने के लिए हम प्रोग्राम करते हैं, उसी तरीके से हमें मॉब लिंचिंग की घटनाओं में सोशल मीडिया का जो रोल होता है ना उससे निपटने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्शंस हैं वो लेनी होगी। फिर बात की जा रही है सेंसिटिव मुद्दों की। देखो काफ़ी बार सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, ह्यूमन क्या होता है इमोशनल होता है, तो कई बार धर्म वर्म की चीज़ आती है, तो ऐसे मामले में इंसान क्या कहता है चलिए यार ठीक है मैं शेयर कर देता हूँ, बट वही चीज़ कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को बढ़ावा देती है, सांप्रदायिकता को बढ़ा देती है और वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि सेंसिटिव मुद्दे होते हैं इनसे हमें संभल के रहना चाहिए। और बात की जाए रूमर्स की, तो रूमर्स का बहुत बड़ा इशू रहता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई न्यूज़ होती कुछ और है और हम उसे कुछ अलग तरीके से रूमर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों की तरफ भी हमें थोड़ा ध्यान है वो फोकस करना होगा। इसके बाद में लास्ट में वे फोर्ड नहीं कहा जा रहा है कि देखो भैया जो भी हो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर वो काम ढंग से नहीं करेगा तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से काम करेगा तो ऐसी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, भीड़ इकट्ठी होकर ऐसे जुलूस वगैरह कुछ भी ऐसे कारण नहीं होंगे कि जिससे जान माल की हानि हो। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है इंडिया और यूएसए रिलेशन को लेकर। इंडिया और यूएसए रिलेशन की बात को लेकर देखो यहाँ पे दो पॉइंट डायमेंशन ली गई हैं। सबसे पहले यूएसए की डायमेंशन है। यूएसए की डायमेंशन के बारे में कहा गया है कि देखो भैया ट्रम्प साहब है ना, इनका कुछ भी नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो खुद हमेशा कन्फ्यूज ही रहते हैं। वो रिलेशन को लेकर भी ये रहते हैं कि यार हम इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन रखें, ये रशिया के साथ कोशिश करें, नॉर्थ कोरिया के साथ करें, चाइना के साथ करें, मतलब वो खुद ज़्यादा कन्फ्यूज हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कत आती है।
जैसा कि हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था एक बार अभी 2-3 दिन पहले कि इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 डायलॉग होने वाला था। चलो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि 2+2 जो डायलॉग होता है वो कौन किस किसी के बीच में होता है। तो इस 2+2 डायलॉग को कैंसिल, एक तरह से आप बोल सकते हो कि सस्पेंड कर दिया गया था यूएसए की तरफ से। कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं दिया गया था, केवल ऐसे ही एवी बातें गोलमोल है वो की गई थी। तो राइटर कह रहे हैं कि देखो यूएसए खुद कंफ्यूज हो रखा है कि यार वो पहले इंडिया को प्रायोरिटी दे या फिर रशिया को प्रायोरिटी दे या फिर नॉर्थ कोरिया को प्रायोरिटी दे या फिर पाकिस्तान को प्रायोरिटी दे या फिर चाइना को प्रायोरिटी दे किसको। तो इसलिए यूएसए को अपनी पॉलिसी है वो क्लियर रखनी होगी और उसकी उसकी पॉलिसी की वजह से इंडिया को भी दिक्कत है वो होती है। इसके बाद में बात की जा रही है कार्ट्सा एक्ट की। जो कार्ट्सा एक्ट है इसके बारे में मैंने आपको बताया था प्रीलिम्स वाले वीडियो में भी। इस ये एक्चुअली यूएसए का एक्ट है और इस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया है यूएसए में कि वो कोई भी कंट्री जो कि रशिया के साथ अगर डिफेंस रिलेशन रखेगी तो उस कंडीशन में यूएसए उस कंट्री पे सेंक्शन लगा सकता है। मतलब सीधा सीधा एग्जाम्पल के फॉर्म में बताऊँ कि अगर इंडिया के डिफेंस रिलेशन रशिया के साथ हो रही, अगर इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं या इंडिया रशिया के साथ ज़्यादा कोलाबरेशन कर रहे हैं उस कंडीशन में यूएसए की कांग्रेस इंडिया के ऊपर सेंक्शन लगा सकती है। मतलब यूएसए एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग काम है वो करना चाहता है। बट आज आपको बताया कि टाइम काफ़ी चेंज हो गया है तो यूएसए की इतनी कुछ तो चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से देखो अभी यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि यूएसए है वो ईरान वाले मामले में भी इंडिया को बार बार सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप है ईरान पर भी सेंक्शन वगैरह लगा दो। बट राइटर ये कह रहे हैं कि इंडिया क्यों लगेगा सेंक्शन, भाई इंडिया भी तो आप बोल सकते हो ना कि सोवरियन कंट्री है, इंडिया के पास भी तो एक तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना। इंडिया की मर्जी है जिस कंट्री के साथ रिलेशन रखे उसके साथ रखे, जिसके साथ नहीं रखना उसके साथ नहीं रखेगा। फिर यहाँ पे बात बताई जा रही है कि देखो यूएसए भी ये चाहता है कि भाई इंडिया है वो एक्चुअली रिलेशन बिगाड़ ले अपने ईरान के साथ ताकि इंडिया और यूएसए की बॉन्डिंग बढ़ जाए। पर डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि यूएसए इंडिया को भी ढंग से प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, यूएसए खुद कन्फ्यूज चल रहा है। यूएसए के दिमाग में कभी तो ये आ रहा है कि यार हम इंडिया को सपोर्ट करें, कभी आ रहा है कि यार हम रशिया के साथ रिलेशन को ज़्यादा इंप्रूव करें, कभी ये आ रहा है कि नहीं नहीं हम तो चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव करें। तो मतलब बात यह है कि यूएसए वहाँ से खुद कन्फ्यूज हो रहे हैं, इसकी वजह से कहेंगे कुछ भी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, सब कुछ डामाडोल हो रखा है यहाँ पे। इसके बाद में बात की जा रही है कि बार बार यूएसए है वो टेरिफ और नॉन टेरिफ बेरी की वजह से इंडिया की पॉलिसी को इफेक्ट करता है, इवन वर्ल्ड की बाकी अदर कंट्रीज को भी वो इफेक्ट है वो करता है। इसके बाद में बात की जाए G7 की। देखो G7 की बात ऐसी कि अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी है वो G7 में आती है और उन इकोनॉमी के बीच में बस आपस में समिट आया बोल सकते हो कि G7 की मीटिंग है वो आयोजित हो रही थी इस साल की और उसी दौरान ट्रंप ने वहाँ पे माहौल है वो बिगाड़ दिया और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे सामना करना पड़ा। तो मतलब बात की कि देखो G7 जो काफ़ी बड़ा ग्रुप था, काफ़ी बड़ा मतलब वहाँ पे काफ़ी एडवांस इकोनॉमी थी और वो अलग अलग होने लग गई है। मतलब वहाँ पे भी यूएसए एक साथ मिलकर नहीं चल रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यूएसए भाई किसी का भी सगा नहीं है, यूएसए जैसे आएगा उसके मन में वैसे ही वो करने वाला है। इसके बाद बात ऐसी है कि देखो इंडिया ने अभी आपको बताया संगीला डायलॉग में एक चीज़ क्लियर की थी कि हाँ भाई हम एक सोवरेन कंट्री हैं, हमारी मर्जी है हम किसके साथ रिलेशन अच्छे रखें किसके साथ नहीं रखें, किसी दूसरे कंट्री को इसमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है कि हमें इसके साथ क्या करना है इसके साथ क्या नहीं करना, हमारी मर्जी है जो हम करेंगे वो हमारे अकॉर्डिंग ही करेंगे। इसके बाद में बात ये की जा रही है कि इंडिया ईरान की बॉन्डिंग की। देखो इंडिया और ईरान की बॉन्डिंग हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप जैसा जानते हो और यूएसए भी चाहता है कि भाई इंडिया है वो एक्चुअली ईरान के साथ अपने रिलेशन बिगाड़ ले। बट आपको पता है इंडिया ऐसा बिल्कुल ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई इंडिया भी तो एक सोवरेन कंट्री है ना, तो इंडिया की मर्जी है, इंडिया उसके बाद मान भी सकता नहीं मान सकता। अब इंडिया को अगर ईरान से फायदा हो रहा है तो इंडिया क्यों मानेगा यूएसए की बात, क्योंकि वो भाई उसके खुद के पर्सनल एजेंट है। यूएसए तो अपने मुताबिक अपने एक्ट ना लेता है, जैसे कि यूएसए को कोई भी एक्ट बनाना होता है तो वो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग एक्ट बनाता है फिर काम करता है। तो भाई इंडिया क्यों नहीं बनेगा? इंडिया की भी अपनी मर्जी है, इंडिया भी अपने अकॉर्डिंग डिमांड एक्ट रूल वगैरह वो अप्लाई कर सकता है। ये बात यहाँ पर राइटर कह रहे हैं। बाद में बात आती है 2+2 डायलॉग है, वो भी रिसेंटली केस हुआ तो उसका भी काफ़ी बड़ा इशू सामने आया कि 2+2 डायलॉग है वो यूएसए ना तो क्लियर रीजन बता रहा और उसकी बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं एक संशय भरा माहौल क्रिएट कर देता है। इसके बाद में देखो लास्ट में राइटर का सजेशन के तौर पर एक ही पॉइंट है कि भैया कुछ भी हो जब तक म्यूचुअल बेनिफिट को दोनों कंट्रीज कंसिडर नहीं करेंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं वाला। जैसे कि इंडिया को भी यूएसए के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना है तो यूएसए को भी इंडिया के रिलेशन को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा कि हाँ भाई ठीक है इंडिया को ईरान की जरूरत है कोई बात है ठीक है, अगर मेरी नहीं बन रही तो मैं ईरान के साथ डील रखूंगा। तो वही बात है कि दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान है वो यहाँ पे करना चाहिए। लास्ट का जो हमारा आर्टिकल आज का तीसरा आर्टिकल वो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में कि क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और ड्रिफ्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो यस के फेवर में पॉइंट आए हैं, सबसे पहले वो आए हैं एक्चुअली कांग्रेस के सपोर्टर हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि हाँ भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और डायल्यूट होने लगी है, ज़्यादा अच्छी वगैरह नहीं है क्योंकि कांग्रेस सपोर्टर हैं। तो जो पॉलिटिकल मोटिवेट जो आर्ट पॉइंट्स है वो तो हम डिस्कस कर नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे जो मेन मुद्दे की बात है वो डिस्कस करेंगे।
देखो यस के फोर में उनका ये कहना है कि पॉलिसी लगातार चेंज हो रही है, इंडिया है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन ढंग से अच्छे नहीं रख पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया कहीं ना कहीं सीधी सी बात ही है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है। अभी देखा था किस तरीके से इंडिया और मालदीव के रिलेशन में तल्खी आ गई थी। इसके अंदर बात की जाए इंडिया नेपाल की हालत भी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये की जा रही है कि देखो इंडिया है ना वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, और जिस लेवल पे काम करना चाहिए उससे काफ़ी पीछे है, और उसकी वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो लीक होती जा रही है। बाद में राइटर कह रहे हैं कि देखो पड़ोसी कंट्री होती है ना उनके साथ हमें बैलेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक हम हमारे पड़ोसी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रखेंगे, हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं रहेंगे, तब तक हमें वहाँ पर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि हमें अच्छे कदम की तरफ यहाँ पर ध्यान है को बढ़ाएं। अब बात करते हैं नौ की बात। नौ की बात है वो बीजेपी राइटर कह रहे हैं कि देखो भैया ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वो एडिट वगैरह कुछ नहीं हो रही है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सही है, आगे ढंग से काम करती रहेगी। इनका एग्जाम्पल ये देना है, इनका तरीके कहना है कि देखो अभी रिसेंटली डोकलाम का इश्यू था तो इंडिया उसमें दबा नहीं, इंडिया ने डटकर मुकाबला किया और अंत में दोनों ही कंट्रीज ने आपस में समझौता आपस में मामला सेटल है वो यहाँ पे कर लिया। तो ये चीज़ यहाँ पे डोकलाम वाला इशू बताया गया। इसके बाद में ये बात की गई है कि देखो भाई इंडिया का जो कदर है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लग गया है, क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया की पहुंच है सभी कंट्रीज में हो गई है। इसके बाद में बात की जाए टेररिज्म की, तो स्टार्टिंग का माहौल तो ऐसा था आज से कुछ टाइम पहले कि टेररिज्म की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं थी, कोई कंट्रीज इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि कौन कौन यहाँ पे टेररिस्ट वगैरह है। जबकि अभी रिसेंटली बाकी अदर कंट्रियाँ हैं, यूएसए है, वो इंडिया के फेवर में आ रखा है कि हाँ भाई टेररिज्म है उसको एक तरह से इंटरनेशनल मुद्दा है वो बनाया जा सके। तो यहाँ पे बात बताई गई है। इसके बाद में राइटर कह रहे हैं कि देखो योगा डे है, इंटरनेशनल सोलर एलायंस का ग्रुप इंडिया हेडक्वार्टर इंडिया में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया अपने आप में एक तरह से रोल बढ़ा रहा है अपना, या इंडिया अपने आप को काफ़ी आगे लेके जा रहा है। बाद में बात आता है कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट का। कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर इंडिया के रिलेशन नेपाल के साथ अच्छे नहीं है, चाइना के साथ अच्छे नहीं है, रशिया के साथ अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे रिलेशन खराब होते जा रहे हैं। देखो सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं, अगर किसी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो किसी के साथ हमारे रिलेशन खराब भी होते हैं। तो हमें हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, हमें ये नहीं देखना कि यार हमारी फॉरन पॉलिसी कैसी है। हमारी फॉरन पॉलिसी बिल्कुल सही है, बट हमें हमारी प्रायोरिटी पर फोकस करना होगा। अगर हमें स्किल चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी कुछ और चाहिए, तो हमें उसके उसी तरीके से काम करना होगा, उसी तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्रिएट करना होगा। बात की जाए नेपाल और चाइना के बॉर्डर की, तो देखो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे उस इतना बड़ा इशू नहीं है जिससे कि इंडिया को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, वो थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि इंडिया को थोड़ा बहुत सामना करना पड़ रहा हो। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि देखो आज के टाइम पे हालात सब कुछ चेंज हो गए हैं, क्योंकि आज के टाइम पे सभी कंट्रीज की अपनी अलग अलग डिमांड है। इंडिया की डिमांड कुछ अलग है, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आपको पता है कि मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करता है, और किसी काम के लिए अदर कंट्रीज पर डिपेंड है वो करता है। तो मतलब सभी कंट्रीज की डिमांड है वो अपने अकॉर्डिंग है कि हाँ भाई उनको क्या चाहिए। तो ऐसे माहौल में हमें एक साथ रहना होगा। इसके साथ ही बात ये की जा रही है यहाँ पे कि देखो जो सिक्योरिटी हुई, एजुकेशन हुई, इसके साथ एम्प्लॉयमेंट हुई, ये काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं हमारे लिए। तो हमें इन चीज़ों की तरफ सोचना होगा, हमें इन चीज़ों की तरफ नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ डिग्रेड वगैरह कर रही है। उसकी वजह हमारे लिए फिलहाल वैल्यू है वो लाइक ये चीज़ है कि सिक्योरिटी के लिए हम कैसे एक साथ आ सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट को कनेक्ट हम कर सकते हैं, और इसके बाद में हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल आज की डिस्कशन में, इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।